अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा जो काम है वो वोवल से रिलेटेड है। वोवल्स वो लेटर्स होते हैं जो इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, ये वाले जो लेटर्स हैं ये वोवल्स होते हैं। जस्ट रिकॉल द साउंड ऑफ दीज लेटर्स। द साउंड ऑफ ए इज ए, द साउंड ऑफ ई इज ए, द साउंड ऑफ आई इज ई, द साउंड ऑफ ओ इज अ, द साउंड ऑफ यू इज अ। जो वर्ड्स इन वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, अगर वो हमेशा अच्छे फ्रेंड होते हैं एन के, अगर ये सिंगुलर हों। अब आपको पता है ना सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन मोर देन वन। मेरी बात करने का मकसद ये है कि जैसे हमने मेक टू वर्ड्स किए थे, अगर हम ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड्स बनाते हैं और वो सिंगुलर होता है, जैसे एग है, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे, वो एन एग कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा एग्स होंगे तो फिर हम एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वो सिंगुलर होता है तो वो एन का फ्रेंड होता है, अदरवाइज वो एन का फ्रेंड नहीं होता। जैसे हमने एग्जांपल्स दिए कि अगर एन एग लिखेंगे तो वो सही है, एन एग्स लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एन ऑरेंज इज करेक्ट, एन ऑरेंज इज रॉन्ग। सिमिलरली जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जो वर्ड्स सॉरी अल्फ़ाबेट्स जो हैं ए ई आई ओ यू के अलावा, बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जी, इनसे जब हम कोई वर्ड्स बनाते हैं तो उससे पहले अगर वो सिंगुलर हो तो वो फ्रेंड किसका होगा? ए का। यानी कि हम कहेंगे अ बॉक्स, अ कार, लेकिन अ डक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा। अब आपने ये याद रखना है कि द वोवल्स वर्ड्स आर ए ई आई ओ यू, द साउंड ऑफ द वोवल्स आर ए ई ई ए ए ई अ अ, ये इनकी साउंड्स हैं। और इनसे शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं, अगर वो सिंगुलर हों तो उनसे पहले हम एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे अगर कोई वर्ड शुरू हो और वो सिंगुलर हो तो उससे पहले हम ए लगाते हैं। नाउ कमिंग टू आवर लेक्चर, जस्ट लुक एट द टॉप ऑफ द पेज, देयर आर टू आइकन्स। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू कलर। वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू कलर। First of all, write day and date, and then start doing your work. The first one is an octopus. An octopus. Octopus आपको पता है ना, ये sea में होता है और इसके 8 hands होते हैं। और ये इसको हम octopus इसलिए कहते हैं कि octo का mean होता है 8 और पस का मतलब होता है hands। इसके 8 हैंड्स होते हैं। अब आप देखिए कि ऑक्टोपस जो है स्टार्ट हो रहा है वो ओ से हो रहा है, तो ओ क्या है? हमारा वोवल वर्ड है, इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन, एन ऑक्टोपस। फिर हम एंट की तरफ आ रहे हैं, एन एंट। सिमिलरली एन एलिफेंट, एन एप्पल। और आप ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं सिंगुलर हैं, एक ऑक्टोपस, एक एंट, एक एलिफेंट और एक एप्पल है हमारे पास। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, ऑन द सेकेंड कॉलम। इन द सेकेंड कॉलम अगर आप देखें तो वी हैव अ बॉल, अ कप, अ फिश, अ हैट। अ बॉल, अ कप, अ फिश, अ हैट। नाउ लुक एट द पेज वंस अगेन एंड रीड विद मी। An octopus, an ant, an elephant, an apple, a ball, a cup, a fish, a hat. Now, I hope that you have understood this page. Now, color these objects. Color the octopus, color the ant, color the elephant, color the apple, ball, cup, fish and hat, and read it with your mother. Thank you.